अपार्ट फ्रॉम माई सन इससे बड़ा चमत्कार नहीं है बट okay. uh, uh, ऐसा है कि आपको अगर इतना कुछ मिल रहा है तो यू माइट बी वर्धी ऑफ इट तो आपको जितनी मेहनत आप कर रहे थे उससे डबल मेहनत करनी पड़ती है टू प्रूव के मुझे ये सब ऐसे ही uh, भगवान की कृपा से फ्री फंड में नहीं मिल रहा है hmm. मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ खुद के लिए जस्टिफाई करने के लिए आई लव इट आई लव इट अब खुश हो तो बस हाँ, बहुत खुश हो ओके okay. <laughs> <तु तु तु। laughs> <laughs> okay. लोग कहते हैं कि अनुपमा की वजह से देश बदल रहा है हाय hmm. पता है आ, जैसे इंडिया में संस्कृत हमारी एंशियंट भाषा है, है। उसी तरह इसराइल की एंशियंट भाषा थी हिब्रू। अच्छा। पर इसराइल बना वर्ल्ड वॉर टू के बाद हाँ। और वहां की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हर इजराइली हिब्रू बोल पाए पर वहां के लोग यूरोप के अलग अलग हिस्सों से वहां आए थे ठीक है तो जब वो गवर्नमेंट रूल्स बना रही थी तो उन्होंने एक लॉ बना दी कि हर लड़की को हिब्रू एज 18 तक सीखना पड़ेगा हर लड़की को? हर लड़की को ही ट्वेल्व ईयर के बाद ऑप्शनल कर दी थी हिब्रू को और इसका लॉजिक ये था कि अगर हर लड़की ने हिब्रू सीख ली तो उस देश की हर फैमिली को हिब्रू सिखा पाएगी जैसे हमारे यहाँ पर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग वो uh, सावित्रीबाई बाई फुले जो कहती थी आ, एक बाई शिकली शिक तो पूर्ण परिवार शिकत हो हाँ, हाँ सो मतलब अगर एक औरत घर की आ, सीख गई तो मतलब एजुकेटेड हो तो पूरे आ, घर के लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो इस, इसलिए मेरे, मेरे मेरे अकॉर्डिंग अनुपमा का एक बहुत बड़ा कल्चरल <laughs> रोल है इस देश में आप ये मानते हो आई थिंक सो क्योंकि लोग कई सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें इस शो से ये चीज सीखने मिली हमें इस शो से ये चीज़ सीखने मिली हमें अपने यू नो बीन सो मेनी वीमेन जो आती हैं और कहती हैं हमें सेल्फ लव सीखने मिला है hmm. तो आ, ये बहुत बड़ी बात है और ये पूरा का पूरा क्रेडिट ना कसम से मतलब हम तो खैर फेसेस हैं हम तो सिर्फ पपेट्स हैं आ, बनाने वाले जो हैं राजन शाही ये उन्हीं का विजन है ये उन्हीं का कॉन्फिडेंस है कि एक बया, बयालीस साल की औरत को आप टीवी स्क्रीन पर लेकर आए एक शो अनुपमा नाम का उसके जरिए लेकर आए एक हाउसवाइफ की स्टोरी आप लेकर आए इस एज में जहाँ पर रोमांस चलता है सुंदर सुंदर स्त्रियाँ चलती हैं एक रोमांटिक कपल चलता है वहाँ पर आपने इस औरत की कहानी सुनाई जो काफ़ी प्रताड़ित है अपने इन लॉज से अपने पति से अपने बच्चों से तक क्योंकि हम माँ से भले ही बहुत प्यार करें लेकिन शी इज़ द मोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड पर्सन इन ग्रांट अ पर लाइफ नॉट दैट वी लव हर एनी लेस नॉट दैट वी वॉन्ट टू इंसल्ट हर बट कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हमारी समझ में नहीं आता लेकिन वो माँ को बहुत ज़्यादा चुप जाती है तो ये कहानी को लेकर आना इस समय पे बहुत ही एक बड़ा रिस्क राजन जी ने लिया एंड uh, और वो खुद सोचते हैं कि मुझे अनुपमा के जरिए मुझे ये बोलना है मुझे ये बातें करनी है दीज आर दिंग्स दैट आई बिलीव इन उथ पीस एज द कैरेक्टर अनुपमाउ पीसाउट वो क्लिप वायरल हुआ था फिर एक था जहां पर आप अन्न का जो अन्न वेस्ट करते हैं आज कल के बच्चे तो उस बारे में कहीं पर यू नो वो लोग वो क्लिप भी काफी लोगों ने देखा अपने बच्चों को दिखाया फिर एक तरह से एक संस्कार संस्कृति फिर आरतियाँ होती हैं पूजा होती है पूजा के महत्व बताए जाते हैं तो ये सब राजन जी का किया धरा है तो जो भी क्रेडिट आज अगर हम कह रहे हैं कि एक कल्चरली अनुपमा ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है या किसी तरह से संस्कार संस्कृति के बारे में काफ़ी लोगों को पता चला है या काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ की जैसे से सेल्फ लव सेल्फ वर्थ हर औरत सोचती है कि नहीं मेरा परिवार आई हैव टू डू दिस फॉर माई किड्स मतलब मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं मेरे पति परमेश्वर हैं मुझे अपने घर का करना है मेरी परि लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को भूल ही जाती हैं ओके hmm. okay. um, क्या आपने भी कभी अपने आप को भूला है ऑफ कोर्स ओके इस वजह से आप अनुपमा का रोल अच्छे से कर पा तो इनफैक्ट um, um, fact, ऐसा नहीं है मेरे पति बहुत अच्छे हैं थुदु थुदु <laughs> <दुदु पार। laughs> you, तो थैंक यू और एकदम स्टार है बहुत अच्छे हैं तो मतलब uh, uh, ऐसा नहीं है कि मैं प्रताड़ित थी शायद मैं ही उनको थी। <laughs> 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 नहीं नहीं आई रियली लुक अप टू हिम ही इज माई टीचर ही इज माई एवरीथिंग सो और वही है जिन्होंने मुझे कहा कि यू गॉट यू डू एज एन एक्टर यू मस्ट गो एंड हाउ विल यू हैंडल एवरीथिंग यूर लोन

चालीस की हो जाती है hmm. तो आप मिरर देखना बंद कर देते हो really? क्योंकि हाँ क्योंकि लोग आपसे कहते हैं कि यू नो जब आप बाहर जाते हो अरे ये मोनिशा सारा भाई है अरे तू तो, तो कितनी मोटी हो गई आंटिया विल जस्ट से इट यू नो नोट आंटी इज वॉकिंग अराउंड दे विल जस्ट से इट बट दो रियली हर्ट अ वुमन हूज एनी वे बैटलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लॉट्स लॉट पोस्टमार्टम थिंग्सिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग यू नो आई हैव ऑलवेज वर्कड घर आती थी तो चप्पल एक सैंडल उधर एक सैंडल उधर मैं थी मोनिशा सारा भाई <laughs> और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत लाड करके रखा था काम तो तब भी मतलब आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग लेकिन मम्मी का लाड था बट um, एक तरह से आपकी शादी हो जाती है और ट्राइंग टू मैनेज एवरी थिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड सडनली देर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट द हजब डिड नॉट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही वॉज देयर विद मी थैंक गॉड तो जो महिलाएं अकेले ये सब करती हैं उनका तो क्या ही होता होगा एंड नॉट आफ्टर दिस एंड वेन जैसे मैं शूटिंग में कुछ लोगों को दिखाया देखो मैं ऐसी थी आई वॉज एटी थ्री किलोस एंड सी दिस अच्छा ऐसा लगता है कि चलता फिरता स्कीमर आ रहा है सो आई वॉज यूज एंड यू नो टू एक्सेप्ट योर सेल्फ आप कपड़े भी लेने जाते हो तो आप प्लस साइज कपड़े ढूंढते हो hmm. है ना तो वहां पर कहीं ना कहीं योर योर कही yeah. कहीं आप अपने आप को कम महसूस करने लगते हो ज़रूरी नहीं कि कोई आपको थे? महसूस करवाए आप रोते थे इसकी वजह से यार उसका भी टाइम नहीं था <laughs> उसका भी टाइम नहीं था बिकॉज आज मुझे लगता है, मैं बहुत वर्किंग हूँ मैं अपना काम बहुत डिलीजेंटली कर रही हूँ मैं सुबह भी शूट करती हूँ रात को भी शूट करती हूँ मुझे अच्छा लगता है कैमरा लेकिन एक गृहिणी मुझसे दस गुना ज़्यादा काम करती है जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी मतलब एक तरह से आप घर मैनेज करते हैं एक तरह से भले ही आपके हाउस हेल्प्स हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यू हैव टू मैनेज सो किसी तरह से बातचीत करके आपको सब कुछ करना पड़ता है चाहे वो किराना जाना चाहे वो आप ग्रोसरी स्टोर्स जाना हो चाहे आपके बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ होता है एक तो आप पैरानॉइड हो जाते हो क्या है hey, मेरा बच्चा है मेरा बच्चा क्या हो गया यू नो एंड जब लेट एज में बच्चा होता है तो वो तो और भी पैरानोया हो जाता है तो uh, वो सारी चीज़ें करते करते देन यू रियलाइज़ कि यू आर सो पैरानॉइड ऑल द टाइम आई हैड बिकम कम्प्लीटली पैरानॉइड लाइक एवरी थिंग टू बी परफेक्ट एंड आई वॉज नॉट मैनेजिंग टू डू एनी परफेक्टली सो या आई मीन लाइक या ऐसा होता है और फिर जब सडनली अनुपमा कम चलाऊंगी फिर ओके ठीक है पर ये अपॉर्चुनिटी आई कहाँ से यार मुझे भी नहीं पता मैं महाकाल के मंदिर में बैठी थी और मुझे फोन आया सच में सच में महाकाल के मंदिर में बैठी थी तो मुझे फोन आया कि ये एक ऐसा शो है ये है वो है और आप जरा इसका सेल्फ टेस्ट करके भेज दीजिए फटाफट <laughs> तो शाम को मेरा शो था इंदौर में प्ले कर रही थी क्योंकि इट वाज इजियर कि एक दिन आप गए प्ले किया आप आ गए

और मेरे को नहीं लगता है इस जन्म में मेरे को अपने इस जन्म के लिए कर्मा कमाने तो मैंने पिछले जन्म में कमा लिया है सो इस जन्म में आप कर्म कमा रहे हो अपने बच्चों के लिए जी सो इफ यू डू लाइक समथिंग रॉन्ग टू somebody इट्स कौन अ कम बैक आई आई जस्ट बिलीव दैट इट्स कौन कम बैक टू योर योर चिल्ड्रेन योर फ्यूचर जनरेशन सम इट इज गोइंग टू कम बैक इट्स नॉट गोइंग आउट यहीं घूम रहा है वो एंड <laughs> अगर आपको कमाई करनी है तो उनके लिए कमाई करनी है Hmm. हम जो अः uh, कहते हैं ना हम अपने बच्चों के लिए कमाना चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कमाना चाहते हैं। तो आप कर्म कमाइए अपने बच्चों के लिए Correct. पैसे तो मतलब आज है कल को आप अरबों रुपए दें आपका बच्चा निकम्मा निकला तो उड़ा देगा सो hmm. so, आप कर्म कमाइए अपने बच्चों के लिए एंड माई हजबो फॉमली बिलीव इन दैट एंड पैसे कौन कहा लेकर गया यार क्या right. करना है मतलब यू जस्ट नीड इनफ एंड अपने अगले जन्म के लिए कमाइए ना ताकि आपको फिर से यू डोंट हैव टू गो थ्रू जद्दोजहद शांति से अच्छी लाइफ हो उस महाकाल मंदिर के बारे में कुछ बताइए हाँ सॉरी मैं साइड ट्रैक हो जाती हूँ मुझे मेरी वजह से पॉडकास्टर का जॉब है साइड ट्रैक करवाना सो डोंट माइंड स्पेशली वो लेडीज जो इस शो को पहली बार देख रहे हैं इनकी वजह से तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बट हाँ वहाँ तो महाकाल के मंदिर में फ़ोन आया कि ये करके भेजिए मैंने शो खत्म किया भाई की दो लड़कियाँ तो उनसे कहा कि करके दे दो तो हमने रात को कुछ दो बजे किया और वो भेज दिया उन्हें आ, दूसरे दिन एयरपोर्ट पर थी और मुझे कॉल आता है कि आप कभी आ सकते हैं मिलने तो मैंने बोला मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ आती हूँ तो फिर मैं फ़ोन करके आती हूँ कहा नहीं जैसे ही आप आए तो आप मिलने आ जाइए शूट शुरू करनी है तो वैसे मैं अच्छा आहा, इनका प्रोडक्शन है तो कहा कि राजन शाही जी का प्रोडक्शन मैंने अरे बाप रे तो आ, मैं पहुंची तो सही उनके प्रोडक्शन में उनसे मिलने राजन जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है लेकिन मेरा पहला शो जो मैंने टेलीविजन पे किया दिल है के मानता नहीं पांच सितंबर 2000 में वो टेलीकास्ट हुआ था पहला एपिसोड और उसके डायरेक्टर थे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर राजन जी और तब आई वॉज बहुत बदमाश थी <laughs> बहुत अनप्रोफेशनल थी ओके okay. तो देर वाज लॉट ऑफ लर्निंग टू डू डॉइंग दैट टाइम तो समझ में नहीं आया था कि टीवी कैसे फंक्शन करता है एज इट इज यू आर काइंड ऑफ लुक डाउन अपॉन एट दैट टाइम इन 2000। अरे बिचारा यू आर डूइंग टीवी, वी आ हरे यू फ्लॉप्ट इन फिल्म टी वी ऐसे होता हाँ हाँ okay. बिल्कुल And Rajanji told me about this role, and it was such a fabulous role. It was like Mary Masi Ke kaniti mm. so the same story, Mary Masi, what she went through, and I immediately connected because arito kan mm. एंड uh, जि, जिन लोगों को अनुपमा का कॉन्टेक्स्ट नहीं है जल्दी से समझा दीजिए कि हाँ, अनुपमा एक ऐसी औरत है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और जिसके घर में उसके पति हैं वनराज शाह जो उसके लिए भगवान है उनके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता अठारह साल की उम्र में शादी हो गई है तीन बच्चे हैं बड़े बड़े और एक जो सेकेंड वाला बेटा है समर बिल्कुल माँ का लाडला है ही इज ओनली वन हु काइंड ऑफ मॉरली सपोर्ट्स मदर जो पहला बेटा है तो पढ़ा लिखा अपने बाप का बेटा है तो वो माँ को बोलता है यार माँ आपको समझ में नहीं आएगा आप पढ़ी लिखी नहीं हो hmm. तो उसकी पढ़ाई छूट गई थी क्योंकि उसकी शादी हो गई hmm. उसको पढ़ने नहीं दिया गया शादी के बाद जबकि प्रॉमिस किया गया था कि शादी के बाद पढ़ने दिया जाएगा तो उसका हमेशा से ये था कि मैं कम पढ़ी लिखी मैं पढ़ नहीं पाई मैं बच्चों में और गृहस्थी में घुटकर रह गई लेकिन ठीक है शी वॉज अ हैप्पी वूमेन डूइंग एवरीथिंग छोटी uh, बेटी मम्मा आप इंग्लिश नहीं बोल सके प्लीज आप स्कूल मत आइए यूर एन एम्बेरसमेंट यू नो वो था एंड uh, तो भी ये और हर चीज हंस के बिकॉज बच्चों से प्यार करती है आपको बुरा लगता है लेकिन फिर भी इट्स माई मेरे बच्चे हैं मेरे बच्चे वैसा वाला हस्बैंड यूज टू ट्रीट हर लाइक अ डोमैट बाघ बाग के पानी ला के देना ये करा वो करना एंड uh, uh, तो भी पति परमेश्वर इसके आगे तो किसी और आदमी की तरफ देखा ही नहीं एंड मदर इन लॉ यूज टू कॉन्स्टेंटली टू मदर इन लॉ के इसके पेरेंट्स घर पर पे नहीं आ सकते तेरी माँ घर में आ गई चाय पी के जाएगी पता है दूध कितना महंगा हो गया वैसा वाला और ये बहुत सारे घरों की हा, असली हाँ कि मतलब आप अपने माँ को घर में नहीं बुला सकते आप जिसे अपना घर कहते हो उसमें आपको इतनी छूट नहीं है कि आप अपनी माँ को घर में बुला सको अपने भाई को घर में बुला सको सो so, uh, वैसे एंड देर इज अ डिफ्रेंसिएशन के अरे मेरी बेटी जो मेरे बेटे को राखी बांधेगी वो महंगी वाली बांधेगी तो ये सादी वाली बांधे अपने भाई को वैसा वाला चाहे ये औरत पूरे घर की करता धरता होती है लेकिन यू नो शी इज ऑलवेज साइड लाइन देन फादर इन लॉ सपोर्ट्स हर बट डज नॉट वोकली सपोर्ट लाइक ये वो because then the mother and the son are too strong indravadhan saravai ki rocking anyway but ye uh, and then uh, uh, the, the one thing that this woman can't take is infidelity hmm. and the day she sees on her 25th wedding anniversary when she sees her husband with a friend somebody she trusted and that's when she takes her life in her hands तब वो ड्राइविंग सीखती है तब वो, वो खुद जाके डिवोर्स फाइल करती जिस औरत ने घर के बाहर की दुनिया ही नहीं देखी पच्चीस साल hmm. सो वो जाके डिवोर्स फाइल करती है अपने पति से डिवोर्स लेती है आ, जो डांस उसने छोड़ दिया था बिकॉज़ पति को पसंद नहीं था वो डांस एकेडमी शुरू करती है और फिर उसकी जिंदगी में एक अनुज कपाड़िया बोल के आते हैं जो उसे छब्बीस साल से प्यार करते हैं <laughs>

seen him but not that he needs me to work but he's just so proud of me and he's just so supportive and nice you know that's that's <laughs> thoo, 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 touch wood again thank you <laughs> but uh, yeah so then Rajan D decided to cast me and I didn't know the show was called Anupama till the trailer came in hmm. and um well I started shooting for it in three days and I told Rajan I said प्लीज मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊं मैं थोड़ा सा यू नो वो थोड़ी सी वैनिटी होती है ना mm. वाली के थोड़ी पतली लगूं तो अच्छी लगूंगी नहीं मुझे माँ चाहिए <laughs> मुझे कोई हीरोइन या एक्टर नहीं चाहिए मुझे माँ चाहिए यू लुकिंग लाइक अ राइट नाउ ऑल एंड दैट इज हाउ आई पांच सौ रुपए की सूती साड़ी मैं पहना के अनुपमा को खड़ा कर wow. दिया राजन ने सेड यू जस्ट परफॉर्म डोंट वरी अबाउट एनीथिंग And that's what I did. दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए